अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला की हिफ्ज़ अमान में रहें। नाज़रीन, आज हम बनाएंगे बलूचिस्तानी चिकन सज्जी। तो चलें आपको दिखाते हैं कि बलूचिस्तानी चिकन सज्जी कैसे बनती है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 2 से 3 चम्मच जो है फ्रेश लीमू का जूस, थोड़ी सी हल्दी, नमक हसबे ज़ायका, तंदूरी मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर और जिंजर और गार्लिक पेस्ट। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हमारे पास एक फुल साइज़ चिकन है। अब हम इसको कट लगा लेंगे ताकि जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से इसके अंदर जज़ब हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप सारे चिकन को इस तरह कट लगा लें। थोड़ा थोड़ा गैप दे के आप इसको सारे चिकन पे कट लगा लें। अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेट करने से पहले आप अपने हाथ जो है अच्छी तरह से धो लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने अंदर बाहर सब जगह पे अच्छी तरह से पेस्ट लगा लेनी है। चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम इसकी स्टफिंग के लिए चावल बना लेते हैं। जी, तो चावल बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम प्याज डाल लेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जी, तो प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक हसबे ज़ायका और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ये सारे खड़े मसाले। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे और इसको ऊपर से ढक देंगे। पानी डालकर ढकने के बाद अब आप देखें तकरीबन 1 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठाया तो इन मसालों का जो है, जो हमारे खड़े मसाले थे, उनका बहुत ही मज़े का कलर आ चुका है। इसका ढकने का मकसद भी यही होता है कि जो खड़े मसाले हैं उनका अच्छा सा कलर आ जाए। जी, तो अब हमारे पास स्टर फ्राइड मिक्स वेजिटेबल्स हैं, वो शामिल कर लेते हैं।
तकरीबन 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें आलू भी डाल लेते हैं। आप इसमें अगर चिक पीस, चने जो हैं वो भी डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। जी तो सब्ज़ियाँ हमारी जो हैं वो स्टर फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इस स्टेज पे 3 कप पानी ऐड कर लेंगे, क्योंकि चावल हमारे जो थे वो 2 कप थे, तो हम इसमें तकरीबन 3 कप जो हैं वो पानी ऐड करेंगे। पानी के 2-3 उबाल आने के बाद अब हम इसमें चावल ऐड कर लेते हैं। चावलों को भी हमने तकरीबन आधा घंटा पहले जो है भिगो के रख दिया था, अब वो इसमें ऐड करते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको दोबारा ढक के रख देंगे। थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 1-2 मिनट के बाद, हम इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर लेंगे। तीन चार मिनट गुजरने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं। जी तो पानी जो है वो तकरीबन सूख चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा मेवा ऐड कर लेते हैं, ज़रा काबली टच देने के लिए, काबली पुलाव का जो टच होता है वो थोड़ा सा देने के लिए थोड़ा सा मेवा हम ऐड कर लेंगे। चावल जैसा कि मैं चाह रहा था तकरीबन उतने ही गल चुके हैं, ये मुकम्मल नहीं गले, फुल नहीं गले, क्योंकि जब हम इनकी स्टफिंग करेंगे चिकन में और उसको ओवन में रखेंगे तो बाकी के ये जो चावल हैं वहाँ पे गल जाएंगे और फिर ये मुकम्मल रेडी हो जाएंगे। जी तो अब हम चिकन की जो है स्टफिंग कर लेते हैं। उसके लिए हमें धागा और टूथपिक्स भी चाहिए होंगी, क्योंकि चिकन को अच्छी तरीके से जो है वो बंद कर लें हम, चावल बाहर ना निकले। चिकन की लेग्स जो मैंने धागे के साथ टाइट कर दी हैं, अब बाकी का जो है मैं ये टूथपिक यूज़ करूँगा। ओवन की ट्रे के ऊपर हमने फॉइल लगा ली है, अब हम इसकी ऑयलिंग कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल जो है वो हम इस ऑयलिंग फिल्म पे लगा लेंगे। अब हम इसमें जो है वो चिकन रख लेंगे और इसको ऊपर से भी हम फॉइल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से फॉइल के साथ कवर कर देंगे। ओवन को हमने पहले 5-6 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे रखा था, फुल हीट पे, नंबर 10 पे। अब हम इसको इसे नंबर 4 पे कर देंगे और इसमें ट्रे रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब हम इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट तक कुक होने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम चेक कर लेंगे। जी नाज़रीन, तो जितनी देर में बलोची चिकन सज्जी तैयार होती है उतनी देर में मैं आपको आज की गज़ल सुना देता हूँ। शायर का नाम है एतबार साजिद और गज़ल कुछ इस तरह से है कि आँखों से अयां जख्म की गहराई तो अब है, अब आ भी चुको वक्ते मसीहाई तो अब है। पहले गमे फुरकत के ये तेवर तो नहीं थे, रग रग में उतरती हुई तन्हाई तो अब है। कल तक मेरी वहशत से फकत तुम ही थे आगाह, हर गाम पे अंदेशाए रुसवाई तो अब है। क्या जाने महकती हुई सुबहों में कोई दिल, शामों में किसी दर्द की रानाई तो अब है। सफ बसता है हर मोड़ पे कुछ संग बकफ लोग, ऐ जख्मे हुनर लुत्फे पजीराई तो अब है। जी नाज़रीन, चिकन को हमने 45 मिनट्स के बाद चेक किया था तो ये प्रॉपर कुक नहीं हुआ था, तो हमने मज़ीद इसको 25 मिनट्स के लिए रख दिया था। अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह, दिखने में तो बहुत ही मज़े का लग रहा है। और माशाल्लाह इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है, बहुत मज़े का बना है, जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही बना है। अब हम इसको ट्रे में निकाल लेते हैं। जी नाज़रीन, तो अब हम इसको मिडल से काट लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रॉपर कुक हो चुका है और ये जो राइस थे इसके अंदर वो भी फुल कुक हो चुके हैं। जी नाज़रीन, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, बलूचिस्तानी चिकन सज्जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह नेगेबान।